हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज। मैं रेखा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की कक्षा 6 की हिंदी का चैप्टर नंबर 9 का वो क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं सोई मेरी छोना के क्वेश्चन आंसर्स। कहाँ से शुरू होता है? शब्दार्थ से। छौना, नन्हा बच्चा। ढीठ, दृष्टि, नज़र। चांदनिया, चंद्रमा का प्रकाश। अनहोना, अद्भुत। लोरी, बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। ढिटौना, बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे पर या गाल पर लगाई जाने वाली काली बिंदी। आंगनिया, छोटा सा आंगन। सलोनी, सुंदर। संकलित मूल्यांकन, प्रश्न एवं उत्तर। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। झूला, झूले, सोने का झूले, रेशम की डोरी। मेरा ढीठ, ढिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। ये हो गए हमारे स्थानों की पूर्ति, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है? काव्य पूर्ति करो। यहाँ पे बच्चों को आपको है ना एक कविता का वो दिया गया जाएगा, दो शब्द दिए जाएंगे और पहले दो शब्द और आखिरी दो शब्द, तो आपको वो पूरा पैराग्राफ लिखना है। जैसे इसमें है चांद सितारे और लास्ट का लिखा है आंगनिया, तो आपको ये पूरा यहाँ पे लिखा गया है। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले है चांदी के, फूले मेरे आंगनिया। और दूसरे नंबर पे क्या दिया है? मेरा सुख। और लास्ट का क्या है? गाँव में। तो आपको कविता में ये आया है ना, तो आपको ये पूरी कविता याद करनी रहेगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोई तू तो सोए ओ गाँव में। तो यहाँ पे ऐसे आपको पूरा करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। आपको कविता आप याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है। चलिए आगे करते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न एक, झूला किससे बना है? उत्तर, झूला सोने से बना है। प्रश्न दो, झूले में किसकी डोरियां लगी है? उत्तर, झूले में रेशम की डोरियां लगी है। प्रश्न तीन, कौन नाच रही है? उत्तर, चांदनिया नाच रही है। प्रश्न चार, कैसे फूल खिले हैं? उत्तर, चांदी के फूल खिले हैं। आपने लिख लिया ना बच्चों? ये यहाँ पे हो गए एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। अब यहाँ पे आपको कोई शब्द दिए जाते हैं, जैसे मान लो मैं आपको शब्द देती हूँ मेहनत, तो आपको उसके ऊपर कोई वाक्य लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? मेहनत ही सफलता की पहली सीढ़ी है, ठीक है? ऐसे उसके आगे है झूला, झूला बच्चों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। रेशम, आन्या के बाल रेशम जैसे मुलायम हैं। परी, कल मैंने सपने में एक परी देखी। चांद, पूर्णिमा को चांद की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। फूल, फूल रंग बिरंगे होते हैं। ये यहाँ पे हो गए अपने शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। भाषा की ओर, भाषा की ओर में क्या है? हिंदी मराठी के समुच्चारित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। यहाँ पे आपको एक तरफ है ना मराठी शब्द दिए गए हैं, फिर उस बीच में समोच्चारित शब्द दिए गए हैं और उसका हिंदी अर्थ बताना है अपने को, ठीक है? जैसे पसंती, कल, आने वाला अथवा बीता हुआ दिन। स्वाक्षरी, सही, हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक, सत्य। उघड़, मराठी शब्द उघड़, समोच्चारित शब्द है खोल और हिंदी अर्थ है आवरण। माता, समोच्चारित है आई और हिंदी अर्थ है आना। पुनः, परत, किसी चीज को एक के ऊपर एक रखना। जोड़ो हमें, पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्त अक्षर शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटाकर, हल हटाकर, रे के प्रकार। अब यहाँ पे अपने को वर्णमाला से कुछ वर्ण दिए हैं, जैसे क, फ, ग, त, ध, घ, स, व, द, म, है, ठ, ड, ट, प। अब यहाँ पे आपको शब्द बनाने हैं। क, पक्का, रक्त। फ, रफ्तार,
दफ्तर, ग ग्वाला अग्नि, त पत्थर त्याग, थ मिथ्या तथ्य, घ शत्रुघ्न कृतघ्न, श पुष्प कृष्ण, व काव्य व्यक्ति, द युद्ध गदा, म अम्मा सम्मान, ह चिहन ब्रह्म, ठ पाठ्यपुस्तक, ड गड्ढा अड्डा, ट पट्टी चिट्ठी, प प्यार प्राप्त, र अब यहाँ पे है संधि, तो यहाँ पे है ना ध योग रम बराबर धर्म, प योग रव बराबर पर्व, रा योग सटर बराबर राष्ट्र, ट्र योग क बराबर ट्रक, गर योग ह बराबर ग्रह, च योग कर बराबर चक्र। ये यहाँ पे रह के प्रकार में संधि दी गई है, तो आपको धय और रम जोड़ के पूरा अक्षर लिखना है धर्म। योग संधि में, संधि भाषा में योग मतलब प्लस का निशान को होता है ना, उसको योग बोलते हैं संधि में, हिंदी की व्याकरण में। मुक्तोत्तर प्रश्न, जरा सोचो और बताओ, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो कितना अच्छा होता। हम मामा के घर जाते, जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुक्का छिपी खेलते, परियों के देश में जाते, वो किस तरह रहती, जाने देखने का अवसर मिलता, वहाँ अच्छा स्वास्थ्य बनाते क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अवसर मिलता। हमारी प्यारी धरती तो प्रदूषण के कारण दिन प्रतिदिन रहने के लिए खराब होती जा रही है। ये हो गया, जरा सोचो और बताओ। अभी आगे क्या है, मौखिक कसौटी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक मतलब ओरल, ये आपको आपके टीचर ओरल सुना पूछेंगे। चांद सितारे क्या कर रहे हैं, लोरी कौन सुना रहा है, माँ अपने छोना को कौन सी दुनिया की सैर कराना चाहती है। और इसमें से जैसे लोरी कौन सुना रहा है, लोरी तो माँ सुना रही है, माँ अपने छोना को कौन सी दुनिया की सैर कराना चाहती है, खिलौने की दुनिया में। और चांद सितारे क्या कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, यहाँ पे इसका उत्तर मुझे ओरल बताना, ठीक है बच्चों, मैं इंतजार करूँगी। आगे करते हैं आकारिक मूल्यांकन, बताओ तो सही, बताओ तो सही, माँ को एक दिन की छुट्टी दे जाए तो क्या होगा। माँ को छुट्टी, मन में प्रसन्नता, देर तक सोना, मन प्रसन्न नाश्ता बनाकर खाना, दिन भर टीवी देखना, देर तक बाथरूम में धमा चौकड़ी करना, तेज भूख लगना, बाहर से पिज्ज़ा बर्गर आदि मंगाना, फिर टीवी के आगे पसर जाना, पूरे घर की हालत खराब, कहीं खाली डिब्बे, कहीं खाली पैकेट और रसोई में ढेर सारे बर्तनों का ढेर। तो अगर माँ की छुट्टी हो जाए तो इतना काम होता है, तो क्या आप अपनी माँ की छुट्टी करना चाहोगे, ये भी मुझे बताना। वाचन जगत से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। सुनो तो जरा मैं नीति पर दोहे सुनो और आनंदपूर्वक सुनवाओ। विचार मंथन में जननी जन्म भूमि पश्च सुरवागो दीपी करियसी। उपकर्म परियोजना में क्या क्या होता है, मेरी कलम से नियत विषय पर भाषण तैयार करो। खोजबीन में विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की सचित्र जानकारी अपनी कॉपी में चिपकाओ। यानी आपको कोई चित्र मिलेंगे जो भारत की एकदम मुख्य महिला होती है ना, भारतीय, जिसने बहुत नाम रोशन किया देश का, प्रथम भारतीय महिलाएं, जैसे कल्पना चावला, जैसे अपनी झांसी की रानी इंदिरा गांधी जी, बहुत सारी ऐसी जो महान हैं जो उन्होंने अपने देश का रोशन किया नाम, उनका आपको फोटो चिपकानी है। अध्ययन कौशल में है अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्ते नातों का नाम लिखो, जिसको बोलते हैं हम फैमिली ट्री, इसमें यहाँ पे इसको हिंदी में ऐसा बताया गया है। स्वयं अध्ययन में क्या है, अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए चार काव्य पंक्तियाँ लिखो। अब जो आपके परिवार में आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में आपको अच्छी अच्छी लाइन लिखनी है। सदैव ध्यान में रखो, जीवन में माँ का स्थान असाधारण है, लेकिन माँ असाधारण, माँ साधारण नहीं है। हम ऐसे समझते हैं ना कि माँ तो साधारण सी है, माँ तो इतना, माँ मेकअप नहीं करती, या फिर माँ ऐसे काम नहीं करती, या फिर माँ कहीं बाहर नहीं जाती क्योंकि माँ को शौक नहीं है, माँ तो घर में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ के बिना तो घर भी नहीं होता है बच्चों। तो जीवन में माँ का स्थान असाधारण नहीं है। ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर.